दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल सिविल हजार में। आज हम बात करेंगे कि क्या पेमेंट बिल कैसे बनाया जाता है और पेमेंट को कैसे ले सकते हैं। देखिए, पेमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है और टाइमली मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप एक काम के लिए फंसे नहीं रह सकते हैं कि मान लीजिए आपने काम किया और पेमेंट 6 महीना लटक गया, तो फिर तो आप काम आगे का काम नहीं पाएंगे और एक काम को करके आप ज़्यादा दिन कितने दिन तक चल सकते हैं, और एक काम मिलना ज़रूरी है। तो देखिए, ठेकेदारी में जब आप काम जैसे काम मिल जाता है, वैसे ही आप बिल के लिए भी प्रोसेस जान ले, अगर आप जानते नहीं हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और बिल जैसे कि चलते काम के लिए आप मटेरियल गिराते हैं तो बिल का प्रोसेस भी शुरू कर दें। अब ऐसा ही नहीं कि एकदम आप जेई जे अपने जेई को जाके परेशान करने लगे कि आप बिल इसका बना दीजिए, बिल बना दीजिए, ऐसा नहीं। आप दूसरे कॉन्ट्रेक्टर से बात कीजिए कि इसके पेपर के रिक्वायरमेंट के क्या क्या होते हैं। जैसे एक बड़े टेंडर में आप रिक्वायरमेंट जाने के लिए, आप जैसे एक रोड बना रहे हैं तो उसमें एक डिज़ाइन होना चाहिए और उसका जियो टेक्निकल होना चाहिए कि रोड किस कैसे डायरेक्शन में गया है, उसका मैप होना चाहिए और उसके फ़ोटो नोड कैम के थ्रू जिसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दिखा होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए और उसका क्वालिटी टेस्ट पास होना चाहिए, प्लस उसका बिटुमिन अलकतरा के लिए पेपर पास होना चाहिए और भी बहुत सारे पेपर हैं जिसको आप देखना चाहिए। तो इन सब पेपरों में छोटे काम में क्या क्या है, ESIS, AFPF, ये सब जितने भी पेपर्स हैं उसमें किया गया है, पेपर को रेडी करके रखिए। पहले से ही रेडी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपने जिस दिन बिल बनाने के लिए सब दौड़ेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। और क्या क्या होता है कि किसी किसी कामों में आपको इसके लिए इंश्योरेंस मांगते हैं। जैसे बड़े बड़े कामों के लिए रोड का इंश्योरेंस, बिल्डिंग का इंश्योरेंस भी पेपर लगाना पड़ता है। तो अब इसके लिए पहले से बना के रखिएगा तो सबसे बढ़िया करेगा। आप जैसे रोड मिलता है आपका इंश्योरेंस ले लीजिए। हर काम में नहीं मिलता है, लेकिन जो जो पेपर का रिक्वायरमेंट होता है आप उसे पूरा करके रखिए, और जैसे काम बन जाता है तो आप उसका बिल लगा लीजिए, और काम लगाते ही ट्रेजरी में जाते ही आपका बिल का पेमेंट हो जाएगा। और अगर आप लेट करेंगे तो आपका क्या होगा कि इससे लेट हो जाएगा और बाद में आपको लेट पेमेंट मिलने में लेट होगा, क्योंकि जब बिल जाता है तो एक साथ सभी का जाता है। और मान के चलिए आपने लेट कर दिया और पेमेंट सभी का चला गया, आपका लेट से गया, तो फिर पेमेंट भी आपको हो सके बहुत लेट से मिले। और जबकि आप पहले से अपडेटेड रहेंगे, पहले जाके आपने हर चीज़ काम को कर चुके होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से काम कर लीजिएगा। और बहुत बार क्या होता है कि जो ST SC का काम होता है, ST SC गाँव में काम होता है, जैसे अगर कोई गाँव है जैसे ग्रामीण क्षेत्र है और उसमें वहाँ की संख्या ST SC ज़्यादा है, तो वहाँ के पेमेंट आपको जल्दी मिल जाएगी। अपेक्षा अगर आप किसी ऐसे गांव में जाते हैं जिसमें जनरल कास्ट के लोग ज़्यादा है तो वहाँ के काम का आपका पेमेंट डिले हो सकता है, और लेकिन अगर कुछ ST SC है तो उसको थोड़ा जल्दी किया जाता है। आप ये काम करने के दौरान ये चेक कर सकते हैं कि अगर कोई जनरल है और ST SC का 2 प्रोजेक्ट है तो पहले जनरल वालों को काम मिल जाएगा, काम का पैसा मिल जाएगा, उसके बाद जनरल वालों को मिलेगा। ऐसा नहीं हुआ कि मिलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेट होता है, और लेकिन वो मिलता है बाद में, आपको मिल जाता जरूर है। तो दोस्तों इस चैनल पे मैं इसी तरह के वीडियोस डालता रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।